नमस्कार। प्राय कभी कभी ये देखने में आता है कि सभी प्रकार की कृषि क्रियाकलाप जैसे कि उन्नत किस्म का बीज, बीज उपचार, समय पर बुआई, निराई गुड़ाई, सिंचाई एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों आदि का इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत से किसानों के साथ ये समस्या रहती है कि उनकी फसल का उत्पादन सही से नहीं बैठ पाता है। किसान भाइयों, इसका साफ साफ मतलब ये निकाला जा सकता है कि खेत की मृदा का स्वास्थ्य या उसका उपजाऊपन एक तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में आजकल किसान भाई देखा देखी खेती करने लगा है और देसी खाद, हरी खाद या गोबर की खाद को किसान नज़रअंदाज कर बैठा है। किसान भाइयों, मृदा का स्वास्थ्य या उपजाऊपन सीधे सीधे एक तरह से मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करता है, क्योंकि मृदा में जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित होगा, मृदा में उतने ही मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाले या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जीवों की संख्या अधिक होगी। किसान भाई, DAP, यूरिया, पोटाश ये सब खाद तो इस्तेमाल तो करता है, लेकिन किसान भाइयों समस्या ये है कि इस खाद को घोलकर फसलों को उपलब्ध करवाने वाले सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या मृदा में बहुत ही कम है। इसलिए इस यूरिया, DAP, पोटाश इन सभी खादों का सही सही से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से अपन जानते हैं कि कैसे मृदा में ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य या उपजाऊपन में सुधार किया जा सकता है। किसान भाइयों, जो सबसे आसान तरीका है मृदा में ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने का, वो है देसी गोबर की अच्छी तरह से सड़ी गली खाद, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट या फार्म वेस्ट, अपने जो खेतों का अवशेष बचता है उसको खेतों में मिलाकर और अकाई जुताई करके अपन अपनी मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरा तरीका है वो है फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष बचते हैं, किसान भाई इस फसल अवशेष को गहरी जुताई करके मृदा में ही दबाकर मृदा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, एक जो तरीका है वो ये है कि किसान भाई बरसात के समय या खरीफ के सीजन में कुछ फसल नहीं लेकर अपने खेत में हरी घास या कोई जो अपने अपने आप ही जो खास हरी घास उग जाती है, उस घास को या सावा को ही खेत में ही हकाई जुताई करके उसमें ही मिला देना चाहिए, जिससे भी खेत में ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़ेगा। किसान भाइयों, जो चौथा तरीका ये है हरी खाद की फसलें जैसे कि सनई हो गया, डेंचा, गवार, उड़द, मूंग, लोबिया, ये इसको हरी खाद वाली फसलें बोलते हैं। इन फसलों को उगाकर फूल आने से पहले ही, मतलब 40 से 50 दिन की अवस्था में ही इन फसलों को खेत में हकाई जुताई करके इनको खेत में ही पलट देना चाहिए, खेत में ही जोत देना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक अपनी मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। किसान भाइयों, जंगल में उगी वनस्पति जैसे कि नीम, गुलमोहर, सबबूल, सफ़ेद बबूल जिसको बोलते हैं, अमलतास हो गया, गुलमोहर हो गया, करंज हो गया आदि की टहनियों या पत्तियों को तोड़कर जिस खेत में अपन को कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ानी है उसमें इन सबको दबा देना चाहिए और अकाई जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो ये वनस्पति है ये एक तरह से हरी खाद का काम करेगी। तो किसान भाइयों, आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने मृदा का स्वास्थ्य सुधारिए और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाइए और अधिक उत्पादन लीजिए। धन्यवाद।